जगह पर आते हैं, अपनी बरकत छोड़ जाते हैं। तो जी बिल्कुल, रहमत और बरकतों का जो साया है मेहमानों की वजह से होता है, और हमारे शो का भी जो हिस्सा है वो अल्लाह सुब्हान तआला की जब नेमतें हो सकती हैं तो बरकतें और रहमतें भी मेहमान के जो गेस्ट कॉर्नर होता है उसमें होती हैं। तो आज भी हमने आपके लिए एक गेस्ट को इन्वाइट किया है, हम उनको सबसे पहले आपसे जो है उनका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कराते हैं। जी टॉपिक रमज़ान को भी फॉलो किया जा रहा है, इसके अलावा जो है गेस्ट से बात होगी किस बारे में, जी उनका जो है ताल्लुक किस चीज़ से है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के यूथ एम्बेसडर हैं, यूके और यूएस को जो है उनको कवर करते हैं। इसके अलावा जो है वो रेड क्रेसेंट में जो है कोऑर्डिनेटर हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानी जितने इश्यूज हैं प्रॉपर्टीज से लेके और जितने फैमिली इश्यूज हैं उनको भी सॉर्ट आउट करते हैं और उनके बारे में एडवाइस देना पसंद करते हैं। आपको ज्यादा लोनलीनेस ले लें, जितने भी इश्यूज हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के सबको कवर करते हैं अभी। जी बिल्कुल, तो इससे भी आपको भी एक टॉपिक मिल जाएगा बात करने के लिए, और हम अपने आपको जो है गेस्ट के लिए ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे। हमारे इस गुड मॉर्निंग शो में तशरीफ़ रखते हैं राजा बशारत अली खान, अस्सलाम वालेकुम। राना बशारत अली खान, अस्सलाम वालेकुम। देखिए हमारे शो में आते के साथ ही आपको हमने लकब भी दे दिया, और अगर मैंने जो काम में कहीं आपका जो इंट्रोडक्शन में कोई गलती की वो जरूर मेंशन कीजिए, काम बड़ा होना चाहिए, नाम की खैर है। जी बिल्कुल, बहुत खुशी की आप यहाँ अपनी मसरूफियत में से आपने थोड़ा सा वक्त निकाला, तो आपसे जो है थोड़ी सी मुश्किलात जो है ओवरसीज पाकिस्तानी की वो भी डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी आपसे बात का हिस्सा बने। तो बुशरा आप सबसे पहले ऑब्वियसली जो इंट्रोडक्शन हमने हमारे व्यूअर्स को दिया, लेकिन ज़रूरी है हम जाने कि आप हमें खुद बताएं थोड़ा अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, और फिर जब आपने कैसे ये सारे फील्ड्स चूज़ किए कि भाई मुझे ये भी करना है, मुझे यूथ को भी रिप्रेजेंट करना है, मुझे थोड़ा सा पॉलिटिक्स की साइड पर भी जाना, तो कैसे कैसे ख्याल आते रहे, बस मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। अच्छा। और मेरी वालदा को इससे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। अच्छा। हमारी वालदा दुआ तो जरूर करती अल्लाह मेरे बच्चे को सदर बनाए, लेकिन पॉलिटिक्स के जरिए सदर ना बनाए, अब इसके अलावा कोई और कोई रास्ते हो तो वो उसका तो पता नहीं। तो मुझे अच्छा लगता था कि हम लोगों की मदद कर सकें। मेरा ईमान जो है कि जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं तो आप एक किस्म की लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं, लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोगों के दुख दर्द में खड़े होने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सवाब के ज़ुमरे में ज़रूर आता है। तो ये बचपन से मेरी आदत थी, जब मैं 13-14 ईयर्स का था स्कूल से, तो फिर स्कूल लाइफ से ही पॉलिटिक्स शुरू कर ली। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन पाकिस्तान की एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन का विंग है, उसको ज्वाइन किया, फिर कुछ ईयर से मैं उसका पंजाब की प्रेसिडेंटशिप तक पहुंच गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन 2002 में जब पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हुई 1999 के बाद, तो मैं बरतानिया शिफ्ट हो गया, क्योंकि पॉलिटिक्स एक खून में थी, तो बस फिर यहाँ पे भी आके उसी सिलसिले को आगे शुरू कर दिया। तो आपने फर्दर कंटिन्यू किया, और एजुकेशनल बैकग्राउंड वाइज थोड़ा सा, मैंने एमबीए किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से, और मैंने बीए किया था अपने पीएसटी कॉलेज कमालिया से, क्योंकि मेरा तल्लुक कमालिया से है। जी इसी साथ जैसे अभी आपने पॉलिटिक्स का जिक्र किया, ठीक है, तो उसमें जैसे ओवरसीज़ को यहाँ जो इश्यूज हैं, एज अ पॉलिटिकल एम्बेसडर आप जैसे पॉलिटिक्स से आपका ताल्लुक है और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं एक पॉलिटिकल पार्टी में, तो आपको ऐसा लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो यहाँ इश्यूज हैं वो ज़्यादातर उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है पाकिस्तान की, के जो भी मसाइल हैं? चीज़ें ये है कि पाकिस्तान की अभी बहुत लंबी उम्र नहीं है, 60-70 साल मुल्कों की तारीख में बहुत कम होते हैं, ख़ासतौर पर जहाँ पे आधी से ज़्यादा उम्र डिक्टेटरशिप के अंडर रही हो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब यहाँ पे एग्जाइल में थे बरतानिया में, तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों के बहुत मसाइल हैं, यहाँ पे लोग मेहनत करने के लिए आते हैं, मजदूरी करने के लिए आते हैं, ब्राइट फ्यूचर के लिए आते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, इसी तरह मिडल ईस्ट में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत और उनकी सारी कोशिशों पे पानी फिर जाता है जब पाकिस्तान में वो अपनी मेहनत से भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उस कुछ अरसा बाद पता लगता है कि उस पर कब्जा हो चुका है, अपना घर बनाते हैं, कुछ अरसा पता लगता है कि उस पर किराएदारी काबिज हो गए। तो ऐसे मसाइल पूरी दुनिया में ला तादाद हैं,
हर घर का कोई ना कोई मसला है, कोई 20 साल से, आप सरप्राइज होंगी, हमारे पास ऐसे ऐसे केस भी रहे हैं जो 30-40 साल से अपने ही घर को वापस लेने के लिए कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं। तो इसके लिए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 2007 में जब हमारी गवर्नमेंट आती है तो ये हमने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा अदारा बनाएं, एक ऐसी प्लेटफॉर्म दिया जाए जो 2.5 से 3 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया में रहते हैं उनको एक इमीडिएट ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जहाँ पे वो जाएं और उनके अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर करें और अपने मसाइल का हल करें। क्योंकि जब जो मिडल ईस्ट में लोग रहते हैं, स्पेशली मैं उनकी बात करता हूँ, वो एक लेबर क्लास से रिलेटेड लोग हैं, उन्हें साल दो साल बाद 10 दिन की या 15 दिन की या 20 दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन उस 20 दिन में जाके वो कोर्ट कचहरी के चक्करों में ऐसे फंसे रहते हैं कि वो ना फैमिली को टाइम दे सकते हैं, ना अपने करीबी दोस्तों को टाइम दे सकते हैं। तो उसके मसाइल के हल के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये पहला स्टेप लिया, इन्होंने OPC के नाम से, ओवरसीज पाकिस्तान कमीशन, जिसकी वेबसाइट है opc.punjab.government.uk.pk, तो उसको लॉन्च किया, जिसमें आप ऑनलाइन बैठ के दुनिया में